बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में लौटे वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय को छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट कर बधाई दी है। नंद कुमार साय सीएम हाउस पहुंचे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। अध्यक्ष की नियुक्ति पर नंद कुमार साय ने कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी मिली है उसका वो अच्छे ढंग से निर्वहन करेंगे। साथ ही साय की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी में तो साय केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अब उनको निगम मंडल का अध्यक्ष पद मिला है। वहीं बीजेपी नेता धर्मलाल कौशिक ने कहा कि जो कभी खुद मंत्री पद बांटते रहे हों, मंत्री बनाते रहे हों, निगम मंडल में नियुक्तियां करते रहे हों, आज उसी श्रेणी में कतार में जाकर खड़े हो गए हैं। कार्य करने का अलग अलग समय में मैं अलग अलग जगहों में काम किया हूं जी। उस सिलसिले में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और मैं समझता हूँ इसको कैसे पूरा करूंगा, भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि क्षमता दें हमें, जिससे इस काम को हम बखूबी इसका निर्वहन कर सकें। जो आदमी केंद्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरे देश में 130 करोड़ में एक ही पद है, वो दिया जाता था, अब उनको किसी निगम मंडल के अधने से पद में संतुष्टि हो रही है, तो मुझे लगता है उनको मुबारक हो, बधाई हो। मुझे तरस आ रही है कि कांग्रेस में जाने के मेरे नंद कुमार साय जी का ये दिन आ गया कि जो कभी पद बांटते रहे आज सीआईडीसी का उनको अध्यक्ष बनाया गया।